What is the output of given programs? सबसे पहले इस प्रोग्राम के केस में बात कर रहे हैं. फर्स्ट सेशन, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और बॉडी सेशंस. इसी प्रोग्राम्स को राइट करने का आधा सिंटेक्स क्या हो सकता है? इनिशियलाइजेशन सेशन, जस्ट इनिशियलाइजेशन सेशन प्रोवाइड करने का अदर प्लेस क्या हो? इनिशियलाइजेशन सेशन इस प्लेस पर प्रोवाइड न करके ए इक्वल्स टू वन जस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जस्ट बिफोर लूप लाइक दैट ए इक्वल्स टू वन. इस केस में इस प्रोग्राम का बिहेवियर कैसा हुआ? सेम एज प्रीवियस केस. सिमिलरली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन एग्जीक्यूट कब होता है? जस्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग बॉडी, इस बॉडी के जस्ट लास्ट में. देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्लेस से हटा के आप सेम लॉजिक प्लेस कर सकते हो एंड ऑफ द बॉडी ऑफ लूप. अभी भी इसका बिहेवियर कैसा है? मीनिंग सेम एज प्रीवियस केस. सेम एज प्रीवियस मीन्स इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन के प्लेस पर स्टेटमेंट्स भी प्रोवाइड करना पॉसिबल है, एमटीबी और ब्लैंक छोड़ना पॉसिबल है. लेकिन इस केस में एग्जैक्टली टू सेमी कॉलन्स यूज करना कंपलसरी हुआ. सेम एज कंडीशंस के रिगार्डिंग बात की थी, कंडीशन के प्लेसेस पर. और फॉर लूप के केस में कंडीशंस प्रोवाइड नहीं किया, देन बाय डिफॉल्ट इसका डिफॉल्ट कंडीशन ऑलवेज कंसीडर होता है, कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू नेवर फॉल्स. मीन्स उस केस में लूप एग्जीक्यूट हो लाइक इनफाइनाइट टाइम्स. लेकिन करंटली मीन्स प्रीवियस इनिशियल प्रोग्राम और करंट प्रोग्राम का बिहेवियर कैसा हो? एग्जैक्टली सेम. क्यों? इस केस में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन सेशन एग्जीक्यूट हुआ ओनली वन टाइम. पर्टिकुलर स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है? ओनली वन टाइम्स. कंडीशन ट्रू हो और फॉल्स हो डजंट मैटर. अगर मैं सेम स्टेटमेंट और इनिशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ ए प्लस प्लस एंड इनिशियलाइजेशन सेशन में प्रोवाइड क्या किया ए इक्वल्स टू वन. वन मोर थिंग्स, रियल में अगर इस ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन किस टाइप का? असाइनमेंट. एक एक केस में परफॉर्म किया और असाइनमेंट न की इनिशियलाइजेशन. लेकिन प्रीवियस सेशन को इनिशियलाइजेशन सेशन कंसीडर करते हैं. उसका मेन रीजन क्या है? जब भी एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस लूप में एंटर होगा तो लूप के लिए एग्जीक्यूशन कंट्रोल के लिए पर्टिकुलर पॉइंट क्या? दिस वन इज अ एंट्री पॉइंट फॉर एग्जीक्यूशन कंट्रोल. मीन्स जैसे कंट्रोल लूप के अंदर एंटर हुआ, एंटर किस प्लेस हुआ? फ्रॉम दैट प्लेस. देयरफॉर दिस सेशन इज कंसीडर्ड एज इनिशियलाइजेशन सेशंस. फर्स्ट वन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम को वन बाई वन ट्रेस करना स्टार्ट करें. फर्स्ट वन, सबसे पहले स्टार्ट कहां से करें? मेन फंक्शंस मीन्स दैट प्लेस. देन जब भी आप सी लैंग्वेज में लूप के रिगार्ड में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और प्रोग्राम्स, प्रोग्राम को सॉल्व करने से जस्ट पहले साइड में आपको प्रोग्राम का सोर्स कोड राइट डाउन करना चाहिए पेज के अंदर. देन अदर प्लेस पर आप क्रिएट क्या करोगे? आउटपुट डिवाइस मॉनिटर. सेम एज अदर प्लेस पर क्रिएट करेंगे मेमोरी एलोकेशंस इन द फॉर्म ऑफ स्टैक और डायरेक्टली. करेंटली देखा जाए तो स्टैक क्रिएट करने नीड नहीं, डायरेक्टली भी इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है, समथिंग लाइक. देन इसके अलावा जब स्टेटमेंट्स को प्रोसेस करोगे तो प्रोसेसिंग के केसेस में सभी स्टेटमेंट्स को सिक्वेंस के थ्रू मैनेज करेंगे. सिक्वेंस का एडवांटेज क्या रहेगा? देन आपको क्लियरली एक मीनिंग अवेलेबल होगा. करंटली कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, नेक्स्ट टाइम कंट्रोल किस प्लेस पर सेंड करना है, इसके अकॉर्डिंग आपका से कंप्लीट स्टेटस मैनेज होगा. फर्स्ट मेन फंक्शन से जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा सबसे पहले कंट्रोल का एंटर होगा इनसाइड बॉडी ऑफ मेन. बॉडी पार्ट में मीन्स फर्स्ट सेकेंड प्लेस पर सेकेंड. जैसे जैसे स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा इसका मीनिंग क्या है? प्रोवाइड इट इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. करेंटली इस केस में परफॉर्म किया और मेमोरी एलोकेशन फॉर ए. प्रोवाइड क्या किया है? वेरिएबल डिक्लेरेशन इंटीजर टाइप्स. ए लोकल वेरिएबल, इसलिए ए को क्रिएट करेंगे इनसाइड स्टैक मेमोरी वेरिएबल ए. इनिशियली ए में कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, ये क्या है? लोकल वेरिएबल. लोकल वेरिएबल्स के केस में डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा? ऑलवेज गार्बेज. जब भी कोई स्टेटमेंट प्रोसेस करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को मैनेज करता है और एग्जीक्यूट करता है, सिमिलरली आप प्रोग्राम को मैनेज करोगे वन बाई वन. जब भी कोई स्टेटमेंट प्रोसेस करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन और चेंजेस परफॉर्म होना चाहिए आइदर इनसाइड मॉनिटर विंडो और इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज. मीन्स अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, किस टाइप का स्टेटमेंट अवेलेबल हो. फर्स्ट केस में स्टेटमेंट का टाइप क्या है? डिक्लेरेटिव, प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस. नेक्स्ट में इसके जस्ट बाद टू थ्री. थर्ड केस में कंट्रोल का सेंड हुआ इनिशियलाइजेशन सेशन. सिंपली मैंने सीक्वेंस मार्क किया है इनिशियलाइजेशन सेशन. इनिशियलाइजेशन सेशन को फर्स्ट टाइम इस केस में सीक्वेंस क्या प्रोवाइड हो रहा है? थ्री वन टू थ्री. थ्री के अकॉर्डिंग जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो करंटली इस केस में इनिशियलाइजेशन सेशन में स्टेटमेंट क्या है? ए इक्वल्स टू वन. इस स्टेटमेंट का जनरल मीनिंग क्या? इट इज असाइनमेंट एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग
वन उस प्लेस पर असाइन हो जाएगा जिस प्लेस का लॉजिकल नेम ए है. नाउ ए और गार्बेज इज रिप्लेस्ड बाई वन, मीन्स करेंट वैल्यू क्या है ए का वन. नेक्स्ट टाइम ऑलरेडी डिस्कस किया था, सबसे पहले चांस किसको मिलेगा, इनिशियलाइजेशन देन कंडीशन देन बॉडी बॉडी ऑफ लूप देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद कंट्रोल अगेन कंसेंट हुआ टू द कंडीशन टेस्टिंग. इस सीक्वेंस में कंट्रोल और एग्जीक्यूशन को मैनेज करेंगे. फर्स्ट वन इनिशियलाइज ओनली वन टाइम, देन कंट्रोल कंसेंट करेंगे ऑन द कंडीशन टेस्टिंग एज अ सीक्वेंस फोर. कंडीशन प्रोवाइड किया करेंटली ए लेस देन फोर, ए लेस देन फोर. इस एक्सप्रेशन को टेस्ट करें इसका रिजल्ट और बिहेवियर कैसा, ट्रू और फॉल्स. ए के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे करेंट वैल्यू ऑफ ए विच इज वन, वन लेस देन फोर कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन उस केस में कंट्रोल कंसेंट हुआ इनसाइड बॉडी ऑफ लूप, मीन्स वन टू थ्री फोर देन इस पर्टिकुलर प्रिंटएफ स्टेटमेंट को चांस देंगे जो सीक्वेंस है फाइव. फिफ्थ सीक्वेंस में प्रिंटएफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ इसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या हुआ, वैल्यू ऑफ ए. करेंटली ए का वैल्यू वन फाउंड हुआ इसलिए ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस कराएंगे वन, इसलिए प्रिंटएफ के थ्रू प्रिंट भी क्या हो जाए वन स्पेस, वन स्पेस. नेक्स्ट वन बॉडी के एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के जस्ट बाद कंट्रोल सेंड करें ऑन द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, मीन्स दैट प्लेस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का सीक्वेंस क्या, सिक्स्थ सीक्वेंस, इसके अकॉर्डिंग ए प्लस प्लस कराएंगे. ए प्लस प्लस का मीनिंग क्या है, ए इक्वल्स टू ए प्लस वन, ए का करंट वैल्यू वन है, वन प्लस वन इज टू, टू इज असाइन टू द वेरिएबल ए. अब ए का करंट वैल्यू क्या है जस्ट टू. नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कंप्लीट करा चुके हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के जस्ट बाद अगेन कंट्रोल कंसेंट हुआ टू द कंडीशंस, मीन्स कंडीशन टेस्टिंग अगेन सिक्स. अगेन इस केस में सीक्वेंस क्या हुआ कंडीशन टेस्टिंग का, फोर के बाद सिक्स और सेवन. कंडीशन टेस्ट फिर से कराएंगे, ए ए लेस देन फोर, ए के प्लेस पर क्या आएगा टू, टू लेस देन फोर कंडीशन इज अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन फिर से कंट्रोल कंसेंट होगा ट्रू होने के केस में. बॉडी सेशन के केस में अगेन क्या, प्रिंट एफ ए, ए का करंट वैल्यू टू इसलिए ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे टू, सिक्वेंस क्या सेवन के बाद एट. डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू टू फाउंड हो रहा है, प्रिंट क्या हो जाए इससे सिंपली टू. देन बॉडी के जस्ट बाद कंट्रोल सेंड करें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस क्या है एट के बाद नाइन, देन ए प्लस प्लस होगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री. देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद कंट्रोल सेंड हुआ अगेन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट कराएं ए लेस देन फोर, नाइन के बाद सीक्वेंस क्या है इसका कंडीशन टेस्टिंग का टेन, ए लेस देन फोर, ए का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा थ्री, थ्री लेस देन फोर कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू होने पर फिर से कंट्रोल सेंड करें इनसाइड बॉडी, बॉडी के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या कराएं वैल्यू ऑफ ए. मेमोरी के अंदर ए का वैल्यू थ्री फाउंड हो रहा इसलिए प्रिंट एफ है, नेक्स्ट टाइम क्या रिप्लेस होगा थ्री, इसलिए प्रिंट एफ के थ्रू डिस्प्ले भी क्या हो रहा है मैसेज एस थ्री प्लस स्पेस. देन बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होने के जस्ट बाद सिक्वेंस क्या है टेन के बाद इलेवन, देन अगेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन ट्वेल्व, ए प्लस प्लस, नाउ वैल्यू ऑफ ए बिकम्स फोर. देन ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट होने के बाद कंट्रोल कर जाएगा कंडीशन टेस्टिंग, ए लेस देन फोर मीन सेम कंडीशन, फिर से कंडीशन टेस्ट करेंगे ए के प्लेस पर ए का करंट वैल्यू रिप्लेस कराएंगे एज अ फोर, फोर लेस देन फोर कंडीशन बिकम फॉल्स. कंडीशन फॉल्स होने के केस में कंट्रोल कंसेंट हुआ इनसाइड आउटसाइड बॉडी ऑफ द लूप, मीन्स जैसे कंडीशन फॉल्स हो तब से लूप इस मैनर में एग्जीक्यूट हो रहा था. कंडीशन फॉल्स होने के केस में कंट्रोल कंसेंट करेंगे आउटसाइड बॉडी, बॉडी ऑफ द लूप मीन्स दैट प्लेस. बॉडी के बाहर कोई स्टेटमेंट फाउंड मीन्स इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है. प्लस सिक्वेंस क्या था 12, 12 के बाद नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट हुआ जाए 13, कंडीशन फॉल्स होने के केस में कंट्रोल का आउटसाइड लूप, इसको मार्क करेंगे जा क्लोजिंग और सिक्वेंस एज 14, देन लूप कंट्रोल कहा जाएगा आउटसाइड मेन फंक्शन मीन्स 15. इस टाइप से इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा. फाइनली आउटपुट क्या प्रिंट होगा 1, 2, 3. अभी करेंटली इन प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के थ्रू ओनली लूप का बिहेवियर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लूप किस मैनर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मीन्स इसके जस्ट बाद अब नेक्स्ट एडवांस लेवल्स के प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करेंगे.